Uh, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है इट से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ फोर्टी फाइव डिग्री इंक्लाइन प्लेन इन ट्वाइस द टाइम इट टेक्स टू स्लाइड्स आउन द सेम डिस्टेंस इन द एबसेंस ऑफ फ्रिक्शन हमें बताना है कोविशन ऑफ फ्रिक्शन कितना होएगा बॉडी और इंक्लाइन प्लेन के बीच में हमारे ऑप्शन है पॉइंट टू फाइव पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट सेवन फाइव या फिर पॉइंट एट हाँ सो सवाल ये है कि आपके दो इंक्लाइन प्लेन हैं दोनों का एंगल सेम सेम 45 डिग्री दिया हुआ है लेट्स कॉल इट थीटा शुरू में हम थीटा से इसको सॉल्व करेंगे और बाद में इसकी वैल्यू 45 डाल देंगे हालांकि सो so, इस वाले केस में तो आपका फ्रिक्शन जीरो है इस वाले केस में फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है यहाँ पे हमें इस म्यू की वैल्यू बतानी है यहाँ से यहाँ ऊपर से नीचे आने में रेस्ट से नीचे आने में इसको टाइम मान लीजिए टी लगता है इसको टाइम टी लगता है और हमें दिया हुआ है कि टी जो है टी इज इक्वल टू ट्वाइस टी वन यानी कि जिस सरफेस पे फ्रिक्शन है उस पर हमें दुगना टाइम लगेगा है हालांकि सो सिंपल सवाल है इस सवाल को हम यहाँ देखेंगे कि इस वाले केस में जो आपका एक्सलेशन होएगा उसको आप लिख सकते हैं जी साइन थीटा इस वाले केस में एक्सलेशन लिखा जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस सिटा नाउ दोनों का क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है अलॉन्ग द इंक्लाइन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है तो यहाँ पे हम सेकेंड इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू आप यहाँ पे ज़ीरो मानेंगे बिकॉज ये आपका रेस्ट से चालू हो रहा है तो इसके बेसिस पे जनरल एक्सप्रेशन अगर हम लिखें तो टाइम को हम लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू टू एस डिवाइडेड बाय ए ये आपका टाइम हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पे टू एस बाय ए हो जाएगा दोनों का क्योंकि टाइम सेम है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं टी सॉरी दोनों का डिसप्लेसमेंट सेम है Uh, तो यहाँ पे हम T2 और T1 का रेशो लिखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू टवाइस एस डिवाइडेड बाय A1, इसको हमने A1 वन कहा है मल्टीप्लाइड बाय A2 टू डिवाइड बाई एस टू एस ये हो जाएगा नाउ ना हलेट ये ऐसा होना चाहिए T2 टू uh, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सो दिट शुड बी A2, टू दिट शुड बी ए वन ना अब अगर हम इसकी वैल्यूज़ uh, यहाँ पर रख लें सो so इसको हम ये कह सकते हैं कि टी हमें पता है टी इज़ टू टाइम्स टी सो so, इसको हम लिख सकते हैं टू टाइम्स टी वन डिवाइडेड बाई टी वन विल बी इक्वल टू टू एस टू और टू एस टू कैंसिल हो जाएंगे वन अपना ये है सो दिस विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा नाव इसको क्योंकि अंडर रूट हटा के हमने वो किया है तो इसको यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं एंड नाओ दिस विल बी अगर इसको हम करें तो ये t1 t1 कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी फोर इसको अगर हम इधर ले आएँ सो दिस विल बी फोर जी साइन थीटा माइनस फोर म्यू जी को सीटा विल बी इक्वल टू जी साइन थीटा अगर जी साइन थीटा को इधर ले आएँ और फोर म्यू जी को इधर ले आए एक तो जी कैंसिल हो जाएगा सो दिस विल बी थ्री साइन थीटा विल बी इक्वल टू फोर म्यू कॉस थीटा इसको अगर हम हमें म्यू की वैल्यू बतानी है सो म्यू विल बी इक्वल टू थ्री बाय फोर टेन थीटा नाउ ये तो इन जनरल वैल्यू आ गई अपने को इस सवाल में थीटा इज इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री दिया हुआ है सो so, इसका मतलब एम्प्लाइज म्यू विल बी इक्वल टू थ्री बाय फोर सो थ्री बाय फोर यानी कि जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव So that means 0.75 option number B would be the right answer.